नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी अड्डा में। दोस्तों फिलहाल अभी ही राजस्थान सरकार ने एक ई मित्र पे लॉन्च किया है, जिससे आप फॉर्म भर के आप अपने गांव या शहर वापस जा सकते हैं। आप किसी इंडिया के किसी भी कोने में फंसे हुए तो आप वो फॉर्म भर के राजस्थान सरकार की मदद के द्वारा आप अपने गाँव वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो फॉर्म कैसे भरना है, और दोस्तों वो फॉर्म भरने की लिंक, तीन लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को यूज़ करके कैसे फॉर्म भरना मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये लास्ट तक वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म को भरना है और क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जाने से पहले एक बात बोलूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि फॉर्म भरना कैसे, करना क्या है, तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेलली समझाऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए दोस्तों मेरे फ़ोन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप मेरे मोबाइल में आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों ये तीन लिंक है, उसमें से आपको पहले वो SSO राजस्थान वाली खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ID बनानी होगी SSOI वाले की। तो मैं पहले वो लिंक खोलूँगा, ये खुल गई है। एक्चुअली मेरी ID तो बनी हुई है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। रजिस्ट्रेशन में जाइए, गूगल वो नीचे है उस पर क्लिक कीजिए। आप हमेशा अपनी ID ईमेल ID से बनाइए, जो गूगल ID, उस पर क्लिक करके बनने के बाद आप फिर से लॉगिन सेक्शन में आइए। अभी तो जैसे मैंने फिल किया, आपके यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस अपने वो व्हाट्सअप जो मैं थर्ड लिंक में जाना है, उसके बाद जो थर्ड आपको दिख रही है माइग्रेंट सर्विस, हाँ उस पर क्लिक करना है। उसके बाद लिंक में जाना है, ये खुलेगी अभी। अब देखिए दोस्तों ऊपर लिख रहा है माइग्रेंट मूवमेंट आउटवर्ड इनवर्ड, मतलब आप राजस्थान में आ रहे कि जा रहे। तो हम फिलहाल राजस्थान में, हमें जाना है तो हम लिखेंगे इनवर्ड, हम राजस्थान के इनवर्ड जाएंगे। इनवर्ड में फिर फॉर्म भरेंगे, नेम, जेंडर ये सब भरेंगे। सॉरी, तो पहले नेम भरेंगे रोहित, राजपुरोहित, जेंडर मेल, एज 18, जो भी आपकी एज वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डालिएगा, ये मेरे मोबाइल नंबर डाल दिए। ओन ट्रांसपोर्ट नो, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं है तो नो डाल दीजिए, हमारे पास नहीं है तो नो डाला है। अब कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पहले वो लिखिए, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, उसके बाद चेन्नई, फिर एड्रेस डालिए। ये एड्रेस लिखा है मैंने, उसके बाद आप राजस्थान में कहाँ रहते हैं वो फिलअप कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राजस्थान कौन से डिवीज़न, जोधपुर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जोधपुर। के बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिए, जालौर, फिर पंचायत जालौर, तहसील जालौर डालिए, फिर पंचायत भी जालौर ही डालिए, जो आपको ऑप्शन आएंगे आपके हिसाब के आपके जो है वो डालिएगा। उसके बाद गाँव का एड्रेस भरिएगा, आप गाँव में कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद टिक मार के सबमिट कर दीजिए भाई, ये जो भी मैंने, अब आपको एक OTP आएगा, वो OTP डालिएगा। थोड़ा वेट कीजिए, OTP आने में टाइम लगेगा। हाँ आ गया OTP, अभी जो OTP दिखा रही है OTP ऐड करके ओके कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और देखिए सब सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको अगर आपकी क्या रजिस्ट्रेशन, क्या स्टेटस, अगर वो पता लगाना है तो दोस्तों मैंने आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक थर्ड लिंक है जिस पे माइग्रेंट स्टेटस है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब ये खुलेगी, देखिए माइग्रेंट स्टेटस ऊपर फर्स्ट वाली लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, क्रोम पर क्लिक कीजिए, अब वो लिंक खुलेगी। देखिए अब इसमें आपको मोबाइल नंबर या रिसिप्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे आपको आपने जो उसमें डाले थे मोबाइल नंबर वो डालिए। मैं डाल रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर, ये डाल दिए। आप सर्च कीजिए, ये देखिए आपके आ गया आपका जो स्टेटस है, रोहित राजपुरोहित 18, एज, मेल, नंबर, सोर्स, एड्रेस, कहाँ से है आप, कहाँ से कहाँ तक जाना है वो सब डिटेल दिखाएंगे। व्हीकल अपनी नहीं ओन, गाँव, एड्रेस, स्टेटस पेंडिंग, अभी तक हमारे स्टेटस एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो जैसे आप हर बार चेक कर सकते हैं, जैसे उधर पेंडिंग की जगह प्रोसेस और फिर एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड जो भी आएगा वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करना है, कुछ हार्ड नहीं। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं उधर और कुछ ऐसी मदद कर पाऊँ तो करूँगा आपकी मदद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।